लैब टेस्टिंग। गाइज आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी दो तरीके से होता है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी एंड एक होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो चलिए पहले अपन जो इनका इक्विपमेंट है अपर टेस्ट उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज ये अपना है विकेट अपर टेस्ट, ठीक है गाइज। तो इसमें क्या होता है, जो नीचे लगा रहता है इसको बोलते हैं ग्लास प्लेट। इसका जो थिकनेस होता है वो होता है 2.5 mm। ये जो निडल लगा रहता है गाइज ये 50 mm हाइट का रहता है और इसका जो डाया रहता है गाइज वो रहता है 10 mm, ठीक है गाइज। ये कंसिस्टेंसी के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो रहता है इसको इंडिकेटर बोलते हैं, इससे अपन इंडिकेट करते हैं कि कितना एमएम अपना पेनेट्रेशन हुआ। और ये अपना विकेट मोल्ड है गाइज। इसका जो डाया होता है टॉप डाया वो होता है 70 mm और प्लस माइनस 5 mm। और इसका जो बॉटम डाया होता है गाइज 80 mm होता है प्लस माइनस 5 mm। और इसकी जो थिकनेस होती है गाइज मोल्ड की, सॉरी हाइट, ठीक है गाइज, इसकी जो हाइट होती है वो होती है 40 mm प्लस माइनस 0.2 mm। ये तो हो गया मोल्ड, ठीक है गाइज। उसके बाद ये स्टोव वॉच है और ये भी निडल है जो इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद गाइज अपने पास जो बैलेंस है वो 0.01 एक्यूरेसी का होना चाहिए। और इसका जो कैपेसिटी है बैलेंस का गाइज वो 600 ग्राम है। और ये अपने पास ड्रॉपर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे गाइज, देखिए गाइज आपके पास ऐसा होगा टूल्स, इसके लिए करनी आती स्पेशल दो। तो अभी हमारा रिपेयर होने के लिए गया है क्योंकि पीछे से टूट गया था। तो आज मैं आपको इसी सहायता से कंसिस्टेंसी करके बताऊंगा। इसका जो टेम्परेचर होता है गाइज रूम टेम्परेचर वो होता है 27 ± 2 degrees एंड ह्यूमिडिटी होता है वो होता है 65 ± 5%, ठीक है गाइज। तो ये तो टेम्परेचर हो गया। उसके बाद जो सीमेंट होता है गाइज स्टैंडर्ड अपन को वेट सैंपल लेना होता है 300 ग्राम, ठीक है। तो हम क्योंकि 300 ग्राम लेंगे तो गाइज इस जो मोल्ड में है वो 300 ग्राम में थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है। तो हम राउंड फिगर में गाइज इसको 400 ग्राम लेंगे, ठीक है गाइज। तो 400 ग्राम लेंगे सैंपल, अपन सीमेंट के सैंपल का वेट करेंगे। देखिए अपना 400 ग्राम सैंपल हो गया है। अभी हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर कितना भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई आईएस कोड में लिखा नहीं है कितना परसेंट अपन को लेना है। तो अपन क्या करते हैं कि 25 से 33 से 35 के बीच में कितना भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अपन अभी क्या करेंगे गाइस कि 30% अपन इसका निकालेंगे। तो 400 ग्राम का 30% निकालेंगे अपन, 400 × 30%, ठीक है गाइस। तो 120 ग्राम वाटर ऐड करेंगे, डिजिटल वाटर यूज़ करना है गाइस। देखिए गाइस 120 ग्राम वाटर हो चुका है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। इसका जो मिक्सिंग टाइम होता है गाइस 5 मिनट होता है। 5 मिनट में इसका पूरा टेस्ट कंप्लीट होना है, ठीक है गाइस। 3 मिनट से पहले कंप्लीट नहीं होना है मिक्सिंग और 5 मिनट से मतलब बाद में नहीं होना है। 3 मिनट और 5 मिनट के बीच में अपन को ये टेस्ट करना होता है। देखिए गाइस आपको सीमेंट का जो सैंपल है उसको ऐसे बना लेना है, उसके बाद इसमें वाटर ऐड करना है और फिर टाइम चालू करना है। तो हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करते इसका टाइमिंग चालू करेंगे। टाइमिंग चालू करेंगे, देखिए गाइस टाइमिंग चालू कर दिया हमने। देखिए गाइस 4 मिनट हुआ है। अभी हम इसको मिक्स को इसमें फिल करेंगे। देखिए गाइस अभी अपना 4:45 हुआ है और हम इसको इसके नीचे लगाएंगे ऐसे। और फिर इसको क्या करना है गाइस, इसको टच करके छोड़ना है, यहाँ टच करके फिर इसको रिलीज करना है तुरंत।